लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़े, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें। गंगोत्री हाईवे सोनगर में दूसरे दिन भी बंद है। हाईवे का 20 मीटर हिस्सा नदी में गिर जाने के कारण रास्ता अब भी नहीं खुल सका है। बीआरओ की 2 मशीनें और 30 मजदूर हाईवे खोलने में जुटे हुए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी आज शाम तक हाईवे खोलने की उम्मीद जता रहे हैं। वहीं जैसे ही कल पहाड़ी दिरकने से रास्ते पर मलबा आ गया और रास्ता जाम हो गया तो तुरंत इसकी सूचना बीआरओ और एसडीआरएफ को दी गई। एसडीआरएफ के जवानों ने कैसी अपनी सूझबूझ और हिम्मत से इस जाम में फंसी एक गर्भवती महिला को वहां से निकाला, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। महिला को प्रसव पीड़ा हो रही थी। गर्भवती महिला को टूटी हुई चट्टानों के बीच से करीब 20 मिनट में सुरक्षित रेस्क्यू कर दूसरी तरफ पहुंचाया गया, जहां से एम्बुलेंस के जरिए गर्भवती महिला को अस्पताल भेजा गया। महिला के परिजनों ने एसडीआरएफ का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र सुनगर गंगोत्री हाईवे के लिए नासूर बना हुआ है। सोमवार तड़के बिना बारिश के ही यहां भारी भूस्खलन से हाईवे अवरुद्ध हो गया था। सूचना मिलने के बाद से ही बीआरओ के मजदूर और मशीनें हाईवे खोलने में लगे हुए हैं, लेकिन हाईवे पर रुक रुक कर मलबा आने से रास्ता नहीं खुल पा रहा। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि यह हाईवे सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आगे चीन सीमा तक ले जाता है। ऐसे में इस हाईवे पर आवाजाही ठप हो जाने से गंगोत्री धाम के साथ साथ भारत चीन सीमा पर मौजूद अग्रिम चौकियों से संपर्क भी टूट चुका है। उम्मीद है कि बीआरओ जल्द इस रास्ते को फिर से दुरुस्त कर देगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़े, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।